ऋषिकेश में फुलचट्टी के पास कैंप राफ्टर 10 में उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री शाहिद मंजूर की 24 वर्षीय बेटिया अदीबा अपने साथियों के साथ ठहरी हुई थी। कल सुबह लगभग 8:30 बजे अदीबा अपनी सहेलियों के साथ गंगा में रिवर राफ्टिंग के लिए गई हुई थी। इसी दौरान पानी के तेज बहाव के चलते अदीबा पानी में डूब गई। राफ्टिंग के दौरान मौजूद उनके दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन गहरे पानी में डूबने के चलते बचा नहीं पाए। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर थाना लक्ष्मण झूला पुलिस तैराक पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और गंगा में सर्च अभियान चलाया, लेकिन अभी तक अदीबा का कोई पता नहीं चल सका है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज सुबह अदीबा नाम की नदी अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पर कैंप लगाई थी और सुबह नहाते थे यहाँ गंगा जी में। इसके साथ वालों ने तो बताया है कि इसके पैसे उत्तर प्रदेश में